फ्रेंड्स, हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब एक नई ऊर्जा के साथ एक नया लक्ष्य तय करता है। आज भारत भी एक ऐसे ही टाइम पीरियड से गुजर रहा है। कुछ समय पहले ही हमने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और हमने संकल्प लिया है, मोदी ने नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने संकल्प लिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का, डेवलप इंडिया का। हम भारत में दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहे हैं और हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं। हम भारत के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। 10 साल में भारत, जैसा अभी जॉन ने कहा, दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने इस महामारी का मुकाबला किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। आप जानते हैं कि आज पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन क्या हालत है, इन सब के बीच भारत आज 7% से अधिक से भी ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, आज भारत में रिफॉर्म्स का एक अभूतपूर्व दौर चल रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड के आप लोग जानते हैं कि हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन आसान नहीं है, लेकिन आज भारत ये भी करके दिखा रहा है। हम फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखते हुए कैपेक्स में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहा है और एफडीआई का नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। पिछले 2-2.5 साल में ही अमेरिकी कंपनियों ने $16 बिलियन से ज्यादा भारत में निवेश किए हैं।